राजधानी देहरादून की, जहां पर नगर निगम की भूमि पर पिछले कई सालों से भूमाफिया अतिक्रमण किए हुए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अब निगम ने 100 वार्डों में कब्जे और खाली पड़ी जमीन पर एक योजना बनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत नगर निगम ने खाली पड़ी भूमि और चारों ओर चार दीवारी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सभी 100 वार्डों में सरकारी भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। मामले में नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की संपूर्ण भूमि का सीमांकन कर चार दीवारी निर्माण का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इसमें सबसे सर्वप्रथम हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रशासक महोदय जो DM मैडम है, उनके द्वारा भी आदेशित किया गया है कि जो भी हमारे नगर क्षेत्र में गांव सम्मिलित हुए हैं, उन सभी गांव का एक एक करके हम रेवेन्यू रिकॉर्ड आइडेंट निकाल रहे हैं। उसमें जो भी लैंड नगर निगम के नाम पर दर्ज हैं, उन सभी को मौके पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनकी तारबाड़ हम प्रारंभ कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी क्षेत्र में सभी जो नए गांव जुड़े हैं और जो हमारा पुराना शहर है, उसमें एक एक करके सभी लैंड्स को हम अपने नगर निगम कब्जे में लेंगे। जो लैंड्स एनक्रोच हो गई हैं पहले से, वहाँ से एनक्रोचमेंट हटाने का जो भी विधिक कार्रवाई है प्रॉपर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत, वो भी हम प्रारंभ करें।